नमस्कार, मैं हूं प्रसाद कुलकर्णी और आज हम एक नए विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो है कि LIC के न्यू जीवनन पॉलिसी के जरिए संपदा का निर्माण। अब इस विषय में, इस सिलसिले में हम तीन मुद्दों पर ध्यान देंगे। उसमें से पहला है कि लोग रियल एस्टेट में निवेश क्यों करते हैं। दूसरा है, क्या न्यू जीवन आनंद पॉलिसी रियल एस्टेट को अच्छा पर्याय साबित हो सकती है। और तीसरा है, रियल एस्टेट और न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, इन दोनों के बीच में तुलना। LIC का न्यू जीवन आनंद बीमा पॉलिसी ये वर्चुअल एस्टेट का एक प्रकार है। यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में ले लीजिए दोस्तों, कि आप ग्राहक को इंश्योरेंस नहीं बेच रहे, आप ग्राहक को वर्चुअल एस्टेट बेच रहे हैं। उस हिसाब से आप उसके इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, आप उसके इस्टेट क्रिएशन एडवाइजर है।